हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज अपना एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपकी क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो आपको याद होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, जो मेंडल्स का फर्स्ट लॉ था। आज हम लोग सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट लॉ क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो सेकंड लॉ को भी आप अच्छे से समझेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करें। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। रिवीजन में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आपको याद होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर आप टॉल प्लांट को आप ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हो तो आपको F1 जनरेशन जो होता है उसमें ओनली टॉल ट्रेट ही फाउंड होता है, और टॉल ट्रेट का F1 जनरेशन में फाउंड होना आपका क्या शो करता है? यह आपको शो करता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वही आपको ऑप्टेन होता है, जबकि रिसेसिव ट्रेट ऑप्टेन नहीं होता है। मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट है वो आपके रिसेसिव ट्रेट पर आपका एक तरीके से कहें उसको हाइड कर देता है, रिसेसिव ट्रेट को। ये आप बताओगे, मतलब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है आप बता सकते हो कि जब प्योर टॉल को अब प्योर ड्वार्फ से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में ओनली टॉल मिलता है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो ऑप्टेन होता है, जबकि रिसेसिव ट्रेट ऑप्टेन नहीं होता है। और डोमिनेंट ट्रेट का ऑप्टेन होना आपका क्या शो करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट हम लोग सेकेंड लॉ स्टडी करेंगे जिसका नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है तो वर्ड ही क्लियर कर रहा है, सेग्रीगेशन मतलब यहाँ पर सेपरेशन होगा। जहां पर आपने F1 जनरेशन में आपने देखा ओनली टॉल फाउंड हुए, लेकिन इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको टॉल के साथ ड्वार्फ भी फाउंड होंगे जो एक दूसरे को सेग्रीगेट करेंगे। इसीलिए इसका जो नेम है वो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टॉल और डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर सेग्रीगेट टू ईच अदर और सेपरेट टू ईच अदर। ये आप बातें बताओगे तो ये आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में डिस्कस करें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आप बताओगे इसमें व्हेन प्योर टॉल When pure tall plant cross with pure dwarf plant, then in F1 generation only dominant trait express and यहां पर लिख दे रहे हैं and recessive trait become high. Thus, in F1 hybrid, only dominant C
seeing, but when F1 hybrid self-crossed to each other ना लिखना पड़ता है बेटा each other then in F2 generation both express in 3 ratio 1 in 3 ratio 1 and 1 ratio 2 ratio 1 of phenotype and genotype for तो आप क्या बताओगे? देखो कितना क्लियरली मैं लिखा हूं और क्लियरली समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा है कि जब प्योर टॉल का यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि प्योर टॉल का आप जब क्रॉस कराते हो रे प्योर टॉल प्लांट क्रॉस विथ प्योर ड्रॉप का मतलब ये ठीक ना, दोनों क्रॉस करते हैं देन इन F1 जनरेशन। तो मैंने आपको यह भी बताया था ये देन इन F1 जनरेशन, ये हो गया आपका F1 जनरेशन। देन इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट रेट एक्सप्रेस, तो ये किसको शो करता है टॉप, इससे जो भी प्लांट ऑप्टेन होगा वो क्या कौन सा ट्रेट को शो करेगा, कौन सा कैरेक्टर शो होगा टॉल, ठीक ना। क्योंकि आपको मैंने बताया था कैपिटल टी इज रिप्रेजेंट डोमिनेंट एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट रिसेसिव। जो कैपिटल टी होता है डोमिनेंट को शो करता है एक्सप्रेस करता है, और स्मॉल टी जो होता है ये रिसेसिव को एक्सप्रेस करता है। इस तरीके से जो कैपिटल टी स्मॉल टी आपको हाइब्रिड मिला, ये हाइब्रिड बोलेंगे जिसमें आपके दोनों ट्रेट जब एक दूसरे के साथ एक साथ हो तो उसे हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो आप देख रहे हो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है तो ये आपका हो जाएगा हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आप देख रहे हो कि टॉल ही ऑप्टेन हो रहा है F1 जनरेशन में, बट जब इसका सेल्फ क्रॉस कराओगे इंटर क्रॉस कराओगे आपको क्या मिलेगा वो आपको बताया गया है। अगर आप इसका क्रॉस करा देते हो, इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं सॉरी, तो आगे मैंने लिखा है देख लीजिए, तो एक्सप्रेस डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस एंड रिसेसिव ट्रेट बिकम हाई नहीं होता है ना, दस इन F1 हाइब्रिड। इस प्रकार से जो F1 हाइब्रिड होता है ओनली डोमिनेंट सीन होता है, बट लेकिन ये F1 हाइब्रिड, इस F1 हाइब्रिड का हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है इसी से हम फिल कराते हैं इंटर क्रॉस, तो सेल्फ क्रॉस कराते हैं F1 सेल्फ क्रॉस टू ईच अदर एक दूसरे के साथ देन इन F2 जनरेशन। तो जो सेकेंड जनरेशन आएगा बेटा देन इन F2 जनरेशन बोथ एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस होते हैं और उनका रेशियो क्या होता है 3:1। फिनोटाइप मैंने आपको बताया था जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो आपका फिनोटाइप होता है, जो जेनेटिकली होता है वो जीनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप का जो होता है वो 3:1 के फॉर्म में होता है और जीनोटाइप जो होता है उसका रेशियो होता है 1:2:1। अभी मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, देखिए अब इसके बाद आपको क्रॉसिंग करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले आप क्या करना, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं, अच्छे से मैं इसको लिख दे रहा हूं बेटा,
जिससे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी है ना, और इसका क्लास करना है किससे, कैपिटल डी स्मॉल डी से, तो डिफरेंट करना। देखो यहाँ एक था तो आपने ऐसा एलिमेंट लिया, तो चलिए इन दोनों का एलिमेंट ले लिया जाए। अगर एलिमेंट ले लोगे तो आ जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी इसका, और इसका भी होगा कैपिटल डी स्मॉल डी। तो आपको मैंने बताया था पहले तो ये जो पहला है इसका इन दोनों में करिए, फिर ये जो है इसका इन दोनों में करिएगा, आप जरूर करिएगा। तो देखिए इसका हम इससे अब करेंगे तो आपका मिलेगा कैपिटल टी मिलेगा ना। अब इसका इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, याद करिए कैपिटल टी और क्या मिला स्मॉल टी। अब इसका इन दोनों में करिए तो मैंने बताया कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है, तो ये आपका फिर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में आपका मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हो क्लियर हो रहा है ना, पहले इसका इन दोनों में मैंने किया, फिर इसका इन दोनों में किया, तो हमें ये ऑप्टेन हुआ। और ये कौन सा डेरिवेशन है आपका एक्ट टू, तो इसमें आप देख रहे हो कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये टॉल के लिए है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन ये टॉल को शो करेगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी किसको शो करेगा टॉल को, इस तरीके से टॉल का रेशियो कितना आ रहा है यार बताओ ना, तो रेशियो आ रहा है आपका 3 और बार का रेशियो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये आपका ये टॉल को आ रहा है जो आपका फिनोटाइप को शो कर रहा है, तो टॉल का फिनोटाइप 3 और बार का फिनोटाइप आपका क्या हो गया 1, तो इसका रेशियो आपका क्या आ गया 3:1, ये हो गया आपका फिनोटाइप। अब अगर हम जीनोटाइप निकालें तो उसमें क्या आ रहा है, तो देखो तो जीनोटाइप आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो तो प्योर टीटी वाला जीनोटाइप जो है जो प्योर टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना है 1 है, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी जो जीनोटाइप को शो कर रहा है ये जीनोटाइप ये आपका कैपिटल टी ये जो जीनोटाइप है ये प्योर टॉल के लिए एक ही है, मैंने जो बताया अगर थोड़ा सा रॉन्ग बताया तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कैपिटल टी जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जीनोटाइप एक ही है ना, एक ही है ना ऐसा, तो एक और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है ऐसे बताओ ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आपका जीनोटाइप का रेशियो क्या आ गया 1:2:1, ये टॉल को ये भी टॉल को शो करेंगे लेकिन ये हाइब्रिड है जिसमें दोनों है और ये आपका प्योर एक एक है और हाइब्रिड 2 है, इस तरीके से जो रेशियो आया 1:2:1 यही आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए सभी एक दूसरे को सेग्रीगेट हो रहा है, टॉल भी आ रहा है प्योर, तो प्योर डॉट भी आ रहा है, हाइब्रिड भी आ रहा है, जो सेग्रीगेशन आपको देखने को मिल रहा है यही आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंतर्गत आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अब कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं इसी आशा के साथ यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ओके थैंक यू।